नमस्कार दोस्तों, भूपेंद्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम ग्रुप में स्वागत है। दोस्तों 5 जून हो चुकी है, 5 जून की हम आपके सामने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेकर आए हैं जो कि 19,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित है। जैसे कि सबको पता है कि 19,000 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है और उनमें जो विवादित प्रश्न हैं उन विवादित प्रश्नों को UGC के चेयरमैन को भेजे जाने के लिए पत्र भी लिखा गया है। आप सभी को पता चले कि जो विवादित प्रश्न थे वो बल्कि 4 प्रश्न नहीं हैं बल्कि 142 प्रश्न जो हैं वो UGC के सचिव को भेजे जाएंगे और 3 स्तर पर प्रश्न पत्र का निर्माण, जांच और फिर भी गलतियां और शिक्षक भर्ती फर्जी बारे में 8 को दबोचा। दोस्तों इन न्यूज़ की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूँ। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आपके सामने बजते ही लेकर आते हैं। दोस्तों दिखाते हैं कि आपको न्यूज़ क्या है। आप सभी देख पा रहे हैं कि 19,000 शिक्षक भर्ती में सिर्फ 4 प्रश्नों पर नहीं था विवाद कि 142 प्रश्नों पर 20,000 से अधिक आई थी आपत्तियाँ। कि इसमें देख सकते हैं, जो मेन पॉइंट दिखाता हूँ मैं आपको कि परिषद प्राथमिक विद्यालयों में 19,000 शिक्षक भर्ती में 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा हुई जिसमें सिर्फ 4 प्रश्न विवादित नहीं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने परीक्षा के बाद 8 जनवरी 2019 को उत्तर कुंजी जारी कर आपत्तियाँ मांगी थी। कुल 150 प्रश्न में से 142 प्रश्नों में 20,000 से अधिक आपत्तियाँ और साक्ष्य के साथ में मेल दर्ज कराई थी। हालांकि कटाप को लेकर विवाद के कारण संशोधित उत्तर कुंजी जारी नहीं हो सकी। 6 मई को कटाप मामले का निपटारा हो गया। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 6 मई को कटाप मामले का निर्धारण हो गया जिससे कि हिंदी के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर मानते हुए अभ्यर्थियों को तीन तीन अंक समान रूप से 12 मई को रिजल्ट घोषित कर दिया। मतलब दोस्तों ये इसमें जो है सबको बताया जा रहा है कि कब क्या हुआ था और 12 मई को इसमें रिजल्ट भी घोषित इसमें कर दिया था। रिजल्ट से असंतुष्ट छात्र ने 4 प्रश्नों को आपत्ति के खिलाफ याचिका दायर की जिसमें सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बुधवार को पूरी प्रक्रिया पर रोक लगा दी। आप सब देख पा रहे हैं बुधवार को इसमें रोक लगा दी और हाई कोर्ट के अंतरिम उत्तर कुंजी पर अभ्यर्थी की ओर से दाखिल सभी आपत्तियों पर आदेश दिया। इसे साफ है कि सिर्फ विवादित प्रश्न 4 नहीं बल्कि 142 प्रश्न हैं। आप सब देख रहे हो जो मेन पॉइंट आप सभी कि इसके 142 में प्रश्न हैं जिसमें मिली 20,000 से अधिक आपत्तियां भी जांच के लिए भेजी जाएंगी। नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 12 जून तक प्रश्न पत्र अंतरिम उत्तर कुंजी और आपत्तियां UGC के सचिव को भेजी जाएंगी। इसमें एक हफ्ते में विशेष समिति का गठन करके अगले 2 हफ्तों में इसका निस्तारण किया जाएगा। मतलब कि UGC कमेटी गठित करेगी और इसमें 2 हफ्ते में निष्पादन किया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को पता चले कि इसमें अब बहुत बड़ा उल्टा फेर होने वाला है क्योंकि कुछों को जो PNP ने सही माना था किंतु अभ्यर्थी नज़र में अभी भी 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो गलत थे। हो सकता है कि UGC के द्वारा उन पर भी नंबर मिलने की आपको पूरी पूरी संभावना हो। और आप सभी को पता चले कि 3 स्तर पर प्रश्न पत्र बना था फिर भी उसमें इतनी गलतियां कि लाखों बेरोजगार कैरियर से जुड़े मामले में इतना बड़ा बड़े पैमाने पर लापरवाही समय से परे है। कि सूत्रों के मुताबिक TET व शिक्षक भर्ती का प्रश्न पत्र तैयार करने के लिए विशेषज्ञों की कमेटी बनाई थी जिसके बाद मॉडरेशन के लिए दूसरी टीम गठित होती है यह देखते कि कोई प्रश्न पत्र गलत या विकल्प को छूटा तो नहीं है। परीक्षा होने के बाद आंतरिम उत्तर कुंजी पर जो आपत्तियां ली जाती है उसका निस्तारण के लिए विशेषज्ञों की एक अलग से कमेटी बनती है जिसमें पूर्व की 2 कमेटियों में से कोई एक्सपर्ट शामिल नहीं किया जाता। आश्चर्य की बात है कि 3 स्तर पर अलग अलग कमेटियों के जांच के बावजूद भी प्रश्न पत्र गलत हो रहे हैं। यदि सब कुछ ऐसा ही चला तो परीक्षा की उंगली उठाना ही अभ्यर्थियों पर कैरियर पर भविष्य ग्रहण लग सकता है। दोस्तों अगली जो न्यूज़ है आपके सामने वो है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े में 8 को दबोचा। कि ये भी जो न्यूज़ कहाँ ये भी जो इलाहाबाद से न्यूज है कि 19,000 शिक्षक भर्ती में अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए ठेका चलाने वाले एक बड़े गिरोह का 16 पुलिस ने गुरुवार को खुलासा किया है। कि जो मतलब पैसे लेकर अभ्यर्थियों को पास कराते थे उनका एक खुलासा किया है कि पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 7.56 लाख रुपये, अभ्यर्थियों की मार्कशीट, सहायक अध्यापक संबंधित दस्तावेज, एक डायरी जिसमें अभ्यर्थियों के रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन लिखे हुए थे बरामद की है। पकड़े गए आरोपियों में कुछ एजेंट हैं जो भर्ती का परिणाम आने के बाद
अभ्यर्थ वसूली करने जा रहे थे। इस रैकेट के मुख्य आरोपी फूलपुर के पूर्व जिला सदस्य डॉक्टर KL पटेल को बताया जा रहे हैं। परीक्षा को हिरासत में लेकर पूछे गए अभ्यर्थियों से कही कि भर्ती में धांधलियों का आरोप लगाते हुए राहुल नामक अभ्यर्थी ने SSP सत्यानिरुद्ध पंकज से शिकायत की थी कि SSP ने गुरुवार को सोरा थाने में पति दुबे, शशि प्रकाश सरोज, कृष्ण सरोज, कमल पटेल ये आदि नाम हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है और उनके पास से भी 7.50 रुपये अभी ले लिया गया है। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए हैं। और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने अन्य दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि जो पल पल के अपडेट होते हैं वो भी हम आपके सामने लेकर अवश्य ही आते हैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद आप सभी का। भूपेंद्र सिंह।